गुरुवार को थाना खरगोपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बराराय के निवासी राधेश्याम यादव पुत्र सुकई के बेटे की हत्या 7 जून को हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस 2 माह बाद पुलिस ने घटना का खुलासा कर एक आरोपी को जेल भेज दिया। तहरीर में कहा, बीती रात में अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेल्ट व रुमाल से गला कसकर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर थाना खरगोपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियोग का स्थानांतरण अपराध शाखा करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश अपराध शाखा को दिए। जनपद गोंडा थाना खरगोपुर में 8 जून को एक उस गांव के निवासी थे होमगार्ड, और उनके बेटे की जो है डेड बॉडी मिली थी, और उसमें जो है हत्या का अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 180/23 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात दर्ज किया गया था। प्रारंभिक विवेचना थाना स्तर से की जा रही थी। थाना स्तर से प्रभावी प्रगति न होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विवेचना अपराध शाखा को स्थानांतरित की गई थी। अपराध शाखा के प्रभारी निरीक्षक और थाना खरगोपुर की पुलिस टीम के द्वारा आज घटना स्थल का घटना का अनावरण किया गया है। इसमें एक का अभियुक्त जो उसमें मेन है उसको गिरफ्तार किया गया है, और उसको शिवप्रसाद उर्फ नमकू को गिरफ्तार किया गया है, और इनके द्वारा अपराध को कबूल किया गया है। और बताया कि हमारा घर पास में ही था, आते जाते ये हम लोगों को परेशान करते थे, और ज़मीनी विवाद था, माननीय न्यायालय में चल रहा था। इसके कारण जब ये शाम के समय जो मृतक है वहाँ खेतों की तरफ गए हुए थे, तो वहाँ पर बेल्ट से गला कस कर उसको मार दिया गया था। इनके साथ में एक अन्य अभियुक्त भी है, अभी उनकी भी तलाश, दूसरे अभियुक्त की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल आज इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसमें और जो अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।